सुप्रीम कोर्ट से आज फिर एक बार हेमंत सोरेन को झटका लगा। बता दें कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस कोर्ट से राहत मिली, उसी कोर्ट ने आज हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक भी है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें जमानत नहीं मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से हेमंत सोरेन को नहीं मिली, तो इसके झारखंड में क्या किस इसका क्या असर होगा? देखिए, झारखंड में उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर हेमंत जी को भी शायद, लेकिन जब देरी हुई तो ये उम्मीद थोड़ा मामला दोनों का मुख्यमंत्री के तौर पर था, उनका इस्तीफा हो चुका था। और जहाँ तक रही बात सवाल की झारखंड की राजनीति का असर क्या पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पर जेएमएम के लिए सोरेन पार्टी के झटका जरूर है। चुनाव जिस नतीजे झारखंड का, उससे हम ये कह सकते हैं कि किसको क्या करना है। मतदाताओं की मन बना चुके हैं और कोई भी मुद्दा इस चुनाव को बहुत प्रभावित करेगा, इसकी गुंजाइश कम। अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाता तो क्या असर होता? अगर वर्तमान लगातार राजनीतिक कवर करते माहौल होता। झारखंड की 14 लोकसभा बना है, जिस तरीके से 4 संसदीय क्षेत्र में चुनाव हुए, खास करके जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें, एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं खुद हूँ तो प्रभाव इसका है। तो मेरे हिसाब से मानना है कि उतना नहीं पड़ता जो उनके जेल में रहने से हो रहा है। आपको की एक तस्वीर नेमरा में जब वो कुछ घंटों के लिए बाहर आई थी, बड़ी तस्वीर भी चुनाव में असर करता है। यानी कि चुनाव जो है सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया है कि इस चुनाव में और जैसा इन्होंने बताया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगर नेताओं की बात करें या झारखंड के जो मूलवासी या जो आदिवासी समाज है उनकी बात करें, तो वो लोगों की आज निगाह कहीं ना कहीं थी कि जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, आज हेमंत सोरेन को भी राहत मिलेगा और वो चुनाव प्रचार करेंगे। अब 4 जून को देखना होगा कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने से इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान, उनका जो जेल जाने का जो जिस प्रकार से नेताओं के द्वारा ये मुद्दा बनाया जा रहा है, वो कितना फायदा पहुंचाता है। भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।